नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ग्रीन टीवी की इन्फॉर्मेशन से फुल पैक प्रोग्राम जॉब अलर्ट में। और दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि जॉब अलर्ट के जरिए हम आपको देते हैं गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर में जारी किए गए तमाम रोजगारों की पूरी जानकारी, ताकि आपकी नौकरी की तलाश पूरी हो सके। बस इसी सफर को आगे बढ़ाने के लिए एक बार फिर हाजिर हैं रोजगारों की कुछ नई जानकारियों के साथ, जिनमें हैं बिहार, दिल्ली, मुंबई के साथ साथ छत्तीसगढ़ में जारी की गई वैकेंसीज की फुल इन्फो। तो चलिए बिना देरी किए करते हैं आज के प्रोग्राम की शुरुआत और देते हैं आपको इस हफ्ते निकाली गई रोजगारों की रिक्तियों की पूरी जानकारी। दोस्तों, हमारी जुटाई पहली जानकारी है खास बिहार के अभ्यर्थियों के लिए, क्योंकि बिहार लोक सेवा आयोग ने मोबाइल पशु चिकित्सा अधिकारी पद के लिए बम्पर रिक्तियां जारी की हैं। लेकिन ध्यान रखें कि इन पदों के लिए आवेदन केवल बिहार राज्य के मूल निवासी ही कर सकते हैं। बिहार लोक सेवा आयोग पटना ने मोबाइल पशु चिकित्सा अधिकारी के 903 पदों की रिक्तियां जारी की हैं, जिनकी भर्ती पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग में की जाएगी। इसके अलावा एक और खास बात कि इस भर्ती के लिए सिर्फ वही अभ्यर्थी उम्मीदवार हैं जो बिहार पशु चिकित्सा परिषद में पंजीकृत हैं। इसके अलावा जरूरी है कि आवेदकों के पास भारतीय पशु चिकित्सा परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से BVSC या BVSC एंड AH की डिग्री होनी चाहिए। 9,300 रुपए से 34,800 रुपए मासिक वेतनमान और 5,400 रुपए ग्रेड पे के तौर पर निर्धारित हैं। 1 अगस्त 2017 की गणना के मुताबिक आवेदकों की उम्र 21 साल से 37 साल के बीच होनी चाहिए। हालांकि आरक्षित कोटे के आवेदकों को उम्र सीमा में छूट दी गई है। ध्यान रखिए कि जाति के आधार पर आरक्षण का लाभ सिर्फ उन्हीं उम्मीदवारों को मिलेगा जो बिहार राज्य के स्थायी निवासी हैं। आवेदन करने के लिए अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और दिव्यांग आवेदकों को 75 रुपए और बिहार राज्य के अन्य कोटे के आवेदकों को 150 रुपए का शुल्क भुगतान करना होगा। बैंक चालान के माध्यम से आयोग के खाता संख्या 3165024341010 में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की किसी भी शाखा में जमा करना होगा। आयोग की ऑफिशियल वेबसाइट www.bpsc.bih.nic.in से आप आवेदन पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। 31 मार्च 2017 तक इस पते पर डाक या स्पीड पोस्ट के माध्यम से आवेदन पत्र भेजना होगा। पता है अपर सचिव सह परीक्षा नियंत्रक बिहार लोक सेवा आयोग, 15 जवाहरलाल नेहरू मार्ग, बेली रोड, पटना। पिन कोड है 800001। एक बात और ध्यान में रखिए कि आवेदन पत्र के लिफाफे पर आवेदन भेज रहे विज्ञापन संख्या, पद का नाम और अपना पूरा पता लिखना जरूरी है। अगर आप किसी जाने माने मान्यता प्राप्त संस्थान में अध्यापन से जुड़े ऊंचे पद का कार्यभार संभालने के इच्छुक हैं, तो आपको बता दें कि दिल्ली के फेमस इंद्रप्रस्थ इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में कुल सचिव के पद के लिए ज्ञापन जारी किया गया है। नई दिल्ली के मशहूर इंद्रप्रस्थ इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में कुल सचिव के पद के लिए सिंगल वैकेंसी जारी की गई है। इस पद के लिए मासिक देय आवेदक के कार्यकाल के अनुभव और शैक्षणिक योग्यताओं के मुताबिक देय होगा, जिसके तहत 53,000 रुपए से 77,000 रुपए या फिर 46,100 रुपए से 75,700 रुपए तक निर्धारित किया जा सकता है, जिसके लिए 10,000 रुपए से 8,700 रुपए ग्रेड पे तय किया गया है। बात करें शैक्षणिक योग्यता की, तो आवेदक के पास इंजीनियरिंग, लॉ या मैनेजमेंट में परास्नातक की डिग्री होनी जरूरी है और साथ ही प्रशासनिक या अध्यापन के कार्यकाल का कम से कम 15 साल का अनुभव भी होना चाहिए। आवेदक की उम्र 55 साल से अधिक नहीं होनी चाहिए। इस पद का कार्यकाल अनुबंध के आधार पर 5 साल के लिए होगा। इच्छुक और योग्य उम्मीदवारों को अपना बायोडेटा 31 मार्च 2017 तक इस ईमेल आईडी पर सेंड करना होगा। ईमेल आईडी है registrar-applications@iiitd.ac.in। और ध्यान में रखिए कि मेल के सब्जेक्ट में एप्लीकेशन फॉर दी पोस्ट ऑफ रजिस्ट्रार एट IIIT-D लिखना जरूरी है।
और दोस्तों हमारी अगली जानकारी है झारखंड लोक सेवा आयोग की जारी की गई रिक्तियों के बारे में। जी हाँ, झारखंड आयोग ने नगर विकास एवं आवास विभाग में लेखा अधिकारी के पदों के लिए 16 रिक्तियां जारी की हैं। आप इन पदों के लिए कैसे कर सकते हैं आवेदन, आइए बताते हैं आपको। झारखंड लोक सेवा आयोग ने लेखा पदाधिकारी के पदों के लिए 16 रिक्तियां जारी की हैं। इन पदों की भर्ती नगर विकास एवं आवास विभाग के अधीन की जाएगी, जिसके लिए उम्मीदवार अभ्यर्थियों को नियुक्ति परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी। इन पदों के लिए 9,300 रुपए से 34,800 रुपए मासिक वेतनमान और 5,400 रुपए ग्रेड पे के तौर पर निर्धारित हैं। इन पदों के लिए जरूरी है कि आवेदक किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र, गणित, वाणिज्य या फिर सांख्यिकी विषय में स्नातक पास हों। 1 अगस्त 2017 की गणना के मुताबिक आवेदकों की उम्र 21 साल से 35 साल के बीच होनी चाहिए। आरक्षित कोटे में पिछड़ा वर्ग के आवेदकों की उम्र 21 साल से 37 साल, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति कोटे के आवेदकों की उम्र 21 साल से 40 साल और सभी कोटे की महिला आवेदकों की उम्र 21 साल से 38 साल के बीच होनी चाहिए। इसके अलावा ध्यान रखिए कि आरक्षण का लाभ सिर्फ झारखंड राज्य के स्थायी निवासियों के लिए ही मान्य है। आवेदन करने के लिए जनरल और पिछड़ा वर्ग के आवेदकों को 750 रुपए का शुल्क भुगतान करना होगा। परीक्षा शुल्क क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग या चालान के माध्यम से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के माध्यम से पे कर सकते हैं। बाकी आरक्षित कोटे के आवेदकों को शुल्क भुगतान में छूट मिली है। आयोग की ऑफिशियल वेबसाइट www.jpsc.gov.in से आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने की अंतिम तारीख है 3 अप्रैल 2017। वैकेंसीज भी कम है और आवेदन करने की अंतिम तारीख भी है काफी नजदीक, तो दोस्तों मौका हाथ से निकल ना जाए, इसलिए फटाफट कीजिए अप्लाई ताकि समय रहते आप इस जानकारी का लाभ ले सकें। फिलहाल जॉब अलर्ट में यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए और ब्रेक से लौटेंगे तो बात करेंगे कुछ और रिक्तियों के बारे में, बताएंगे कहाँ कहाँ है रोजगारों के नए अवसर। बने रहिए ग्रीन टीवी के साथ क्योंकि जारी है रोजगार का सफर जॉब अलर्ट। और ब्रेक के बाद चलिए रोजगार के सफर को आगे बढ़ाते हैं और अब नजर डालते हैं अगली जॉब की इंफॉर्मेशन पर, जो है सहायक प्राध्यापक पद के लिए और रिक्तियां जारी की गई हैं झारखंड लोक सेवा आयोग में। देखिए पूरी इंफॉर्मेशन। झारखंड लोक सेवा आयोग ने सहायक प्राध्यापक के पदों के लिए 15 रिक्तियां जारी की हैं। इनमें असैनिक अभियंत्रण के लिए 5 पद, उत्पादन अभियंत्रण के लिए 4 पद, दूरसंचार अभियंत्रण के लिए 3 पद और विद्युत खनन और सूचना तकनीकी अभियंत्रण के लिए 1-1 पद हैं। इन सभी पदों की भर्ती उच्च तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग के अधीन की जाएगी। इन पदों के लिए 15,600 रुपए से 39,100 रुपए मासिक वेतनमान और 6,000 रुपए ग्रेड पे के तौर पर तय किए गए हैं। इन पदों के लिए जरूरी है कि आवेदकों के पास प्रथम श्रेणी या इसी के समकक्ष इंजीनियरिंग में स्नातक या परास्नातक की डिग्री हो। 1 अगस्त 2015 की गणना के मुताबिक आवेदकों की उम्र 24 साल से 33 साल के बीच होनी चाहिए। ओबीसी कोटे के पुरुष आवेदकों की उम्र 37 साल तक और महिला आवेदकों की उम्र 38 साल तक होनी चाहिए। इसके अलावा एससी एसटी कोटे की महिला और पुरुष आवेदकों की उम्र 40 साल तक होनी चाहिए। आवेदकों का चयन लिखित एवं मौखिक प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर किया जाएगा। इन पदों के लिए इच्छुक आवेदकों को 750 रुपए का शुल्क भुगतान करना होगा, जबकि आरक्षित कोटे के आवेदकों को शुल्क भुगतान में छूट मिली है। शुल्क का भुगतान आप ऑनलाइन ही कर सकेंगे। इसके अलावा आवेदन से जुड़ी और अधिक जानकारी और ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आप आयोग की ऑफिशियल वेबसाइट www.jpsc.gov.in पर विजिट कर सकते हैं। आवेदन भेजने की अंतिम तारीख 27 मार्च 2017 है। इसके अलावा अगर आप पोस्ट के माध्यम से आवेदन भेजना चाहते हैं तो 10 अप्रैल 2017 तक आयोग के कार्यालय अपना आवेदन भेज सकते हैं। पता है टू द कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन, झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन, सर्कुलर रोड, रांची। पिन कोड है 8340001।
छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल ने सर्वेयर के पदों के लिए कुल 123 वैकेंसीज जारी की हैं, जिनमें आरक्षित वर्गों के लिए सीटें आरक्षित हैं। और खास बात ये कि आवेदनों के अनुरूप इन पदों की संख्या घटाई या बढ़ाई जा सकती है। छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल रायपुर में सर्वेयर के पदों के लिए 123 रिक्तियां जारी की गई हैं, जिनमें 12% अनुसूचित जाति, 32% अनुसूचित जनजाति, 14% पिछड़ा वर्ग और 30% महिला आवेदकों, 6% दिव्यांग आवेदकों और 10% सीटें भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षित की गई हैं। ये संख्या बढ़ाई या घटाई जा सकती है। इस पद के लिए तय की गई शैक्षणिक योग्यता के मुताबिक आवेदक मान्यता प्राप्त स्कूल से हायर सेकेंडरी पास हों और मान्यता प्राप्त ITI संस्थान से सर्वेयर प्रमाण पत्र भी हासिल किया हो। इन पदों के लिए 5,200 रुपए से 20,200 रुपए मासिक वेतनमान और 2,800 रुपए ग्रेड पे तय किया गया है। इन पदों के लिए सिर्फ छत्तीसगढ़ के मूल निवासी ही आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा ऐसे आवेदक जिनकी 2 से अधिक जीवित संतान हैं, जिनमें से एक का जन्म 26 जनवरी 2001 को या उसके बाद हुआ है, ऐसे उम्मीदवार आवेदन के पात्र नहीं होंगे। इसके अलावा जिन्होंने विवाह के लिए निर्धारित न्यूनतम आयु से पहले विवाह कर लिया है, वो भी इस पद के योग्य नहीं है। 1 जनवरी 2017 की गणना के मुताबिक आवेदकों की उम्र 21 साल से 30 साल के बीच होनी चाहिए। हालांकि आरक्षित कोटे के आवेदकों को उम्र सीमा में 5 साल की छूट मिली है। आवेदन करने के लिए जनरल कोटे के आवेदकों को 300 रुपए, OBC कोटे के आवेदकों को 250 रुपए और SC/ST कोटे के आवेदकों को 200 रुपए का शुल्क भुगतान करना होगा। ऑनलाइन और SBI चालान के माध्यम से शुल्क का भुगतान किया जा सकता है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार आयोग की ऑफिशियल वेबसाइट www.cgvyapam.choice.gov.in से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने की अंतिम तारीख है 20 मार्च 2017 और 2 अप्रैल 2017 को लिखित परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। और हमारी अगली जानकारी भी छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल की ही है और वैकेंसी है ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी के पदों के लिए, जिनकी भर्ती रायपुर के कृषि विभाग के अधीन की जाएगी। छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल रायपुर ने ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी के लिए 650 रिक्तियां जारी की हैं। इन पदों की भर्ती कृषि विभाग के अधीन की जाएगी। जरूरी है कि आवेदक मान्यता प्राप्त कृषि विश्वविद्यालय से कृषि, कृषि अभियांत्रिकी, उद्यानिकी या जैव प्रौद्योगिकी में स्नातक पास हों। 5,200 रुपए से 20,200 रुपए का मासिक वेतनमान और 2,800 रुपए ग्रेड पे दिया जाएगा। इन पदों के लिए सिर्फ छत्तीसगढ़ राज्य के मूल निवासी ही आवेदन कर सकते हैं। 1 जनवरी 2017 के मुताबिक आवेदकों की उम्र 21 साल से 30 साल तक होनी चाहिए और आरक्षित कोटे के आवेदकों को उम्र सीमा में छूट मिली है। आवेदकों का चयन लिखित परीक्षा और साक्षात्कार के आधार पर किया जाएगा। आवेदन करने के लिए जनरल कोटे के आवेदकों को 300 रुपए, OBC कोटे के आवेदकों को 250 रुपए और SC/ST कोटे के आवेदकों को 200 रुपए का शुल्क भुगतान करना होगा। शुल्क का भुगतान ऑनलाइन और SBI चालान के माध्यम से करना होगा। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार आयोग की ऑफिशियल वेबसाइट www.cgvyapam.choice.gov.in से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने की अंतिम तारीख है 20 मार्च 2017 और 9 अप्रैल 2017 को लिखित परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। तो दोस्तों, अगर इनमें से किसी भी पद के लिए आपकी शैक्षणिक योग्यताएं मेल खाती हैं और आप आवेदन करने के इच्छुक हैं, तो आवेदन करने में देरी बिल्कुल ना करें, क्योंकि ऐसे रोजगार नहीं मिलते बार बार। फिलहाल रुकते हैं एक और छोटे से ब्रेक के लिए और ब्रेक से लौटेंगे तो बताएंगे आपको रोजगार की कुछ और राहें। बने रहिए ग्रीन टीवी के साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर हाजिर हैं हम रोजगारों की जानकारियों से सजे कार्यक्रम जॉब अलर्ट में। और चलिए बिना वक्त जाया किए बताते हैं आपको अगली नौकरी के बारे में, जो है मानव संसाधन विकास मंत्रालय की, जहां 132 पदों के लिए आवेदन जारी किया गया है। इनमें आप नोडल अधिकारी, सलाहकार, परियोजना प्रशासक जैसे विभिन्न पदों के लिए
19 मार्च 2017 तक आवेदन कर सकते हैं। मानव संसाधन विकास मंत्रालय में 132 पदों की रिक्तियों के लिए भर्ती ज्ञापन जारी हुआ है, जिनमें नोडल अधिकारी व सलाहकार के लिए 84 पद हैं और इसके अलावा राज्य परियोजना प्रशासक, कार्यालय सहायक, खाता सहायक, मैसेंजर सहचालक के साथ साथ प्रेषक के लिए भी 12-12 पद हैं। इनमें राज्य परियोजना प्रशासक पद का कार्यकाल प्रतिनियुक्ति के आधार पर किया जाएगा। इन पदों के लिए 43,200 रुपए से 66,000 रुपए मासिक वेतनमान तय किया गया है। वहीं उम्र 60 साल तक होनी चाहिए और बाकी सभी पदों के लिए आवेदकों की उम्र 50 साल से कम होनी चाहिए। इन बाकी पदों की भर्ती अनुबंध के आधार पर 3 साल के कार्यकाल की अवधि के लिए की जाएगी। नोडल अधिकारी व सलाहकार पद के लिए तय किया गया मासिक वेतनमान है 75,200 रुपए से 1,40,900 रुपए। इस पद के लिए जरूरी है कि आवेदक ने परास्नातक या पीएचडी की हो। इसी तरह कार्यालय सहायक और खाता सहायक पदों के लिए 35,000 रुपए प्रति माह देय तय किया गया है। पद के लिए आवेदकों का स्नातक पास होना व 8 साल का अनुभव होना जरूरी है, जबकि खाता सहायक पद के लिए बीकॉम में स्नातक की डिग्री और 8 साल के कार्यकाल का अनुभव मांगा गया है। मैसेंजर पद के लिए 25,000 रुपए मासिक वेतन दिया जाएगा। इस पद के लिए आवेदक 12वीं पास होने चाहिए और वाहन चलाने का वैध लाइसेंस होने के साथ साथ 5 साल का अनुभव होना भी जरूरी है। प्रेषक पद के लिए 20,000 रुपए मासिक वेतन निर्धारित किया गया है। इस पद के लिए जरूरी है कि आवेदक 12वीं पास होने के साथ साथ 5 साल के कार्यकाल का अनुभव भी रखते हों। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार 19 मार्च 2017 तक आयोग की ऑफिशियल वेबसाइट www.edcilindia.co.in से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा और अधिक जानकारी के लिए www.mhrd.gov.in पर विजिट कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप किसी प्रतिष्ठित बैंक में एडवाइजर के पद पर नौकरी करना चाहते हैं तो लाइफ प्लस का जारी किया गया ये भर्ती ज्ञापन आपके काम का हो सकता है। आपको बता दें कि लाइफ प्लस में समूह बी गैर राजपत्रित यानी ग्रुप बी नॉन गेजेटेड पद के लिए 500 से भी ज्यादा रिक्तियां जारी की गई हैं। लाइफ प्लस में ग्रुप बी गेजेटेड के लिए एडवाइजर की 560 रिक्तियां जारी की गई हैं। इन पदों का कार्यकाल स्थायी तौर पर होगा। 15,600 रुपए से 39,100 रुपए मासिक वेतनमान तय किया गया है। 30 नवंबर 2017 तक की गणना के मुताबिक आवेदकों की उम्र 18 साल से 64 साल तक होनी चाहिए। किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं-12वीं पास अभ्यर्थियों के साथ साथ स्नातक पास अभ्यर्थी भी इस पद के लिए आवेदन कर सकते हैं। IRDA एग्जामिनेशन के आधार पर आवेदकों का चयन किया जाएगा। ये भी एक तरह की लिखित परीक्षा होती है, जो कि लाइफ इंश्योरेंस एजेंट्स और जनरल इंश्योरेंस एजेंट्स के पदों के लिए होती है। इसके अलावा चयनित आवेदकों को 25 घंटे की ट्रेनिंग लेनी भी अनिवार्य है। जॉब की लोकेशन नागपुर, महाराष्ट्र है। इच्छुक आवेदक बताए जा रहे ईमेल आईडी पर अपना ब्यौरा सेंड करके आवेदन कर सकते हैं। ईमेल आईडी है recruitment.lic6@gmail.com और आवेदन भेजने की अंतिम तारीख है 30 जनवरी 2017। दोस्तों, अगर आप अप्रेंटिसशिप की तलाश में हैं तो ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड की ये जॉब वैकेंसी आपके लिए एक बेहतर विकल्प हो सकती है। एप्लीकेशन फिल करने के लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे, आइए बताते हैं आपको। ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड मुंबई में अप्रेंटिस के पदों के लिए 92 पद जारी किए गए हैं, जिनमें सचिवीय सहायक के लिए 27 पद, रसायन विज्ञान में प्रयोगशाला सहायक के लिए 12 पद, इलेक्ट्रॉनिक्स यांत्रिकी के लिए 10 पद, बिजली मिस्त्री और यंत्र निरीक्षक के लिए 8-8 पद, फिटर मैकेनिक डीजल चालक सह फिटर और सूचना प्रौद्योगिकी एवं इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम रखरखाव के लिए 4-4 पद और वेल्डर के लिए 3 पद हैं। इसके अलावा कार्डियोलॉजी एंड फिजियोलॉजी एंड पैथोलॉजी चिकित्सा प्रयोगशाला तकनीशियन के लिए 2-2 पद और कंप्यूटर ऑपरेटर और प्रोग्रामिंग सहायक के लिए भी 2 पद हैं। 20 मार्च 2017 की गणना के मुताबिक आवेदकों की उम्र 14 साल से अधिक होनी चाहिए। पदानुसार ही शैक्षणिक मान्यताएं तय की गई हैं, जिसके मुताबिक
कला, विज्ञान, वाणिज्य संकाय से पढ़ाई कर रहे अभ्यर्थी इन पदों के लिए आवेदन भेज सकते हैं। आवेदकों का चयन उनके शैक्षणिक योग्यता में आए अंकों के आधार पर किया जाएगा। इच्छुक और योग्य अभ्यर्थियों को सबसे पहले ONGC के वेब पोर्टल www.apprenticeship.gov.in पर पंजीकृत करना होगा, जिसके बाद संस्थान की ऑफिशियल वेबसाइट www.ongcindia.com से आवेदन पत्र डाउनलोड करके इस पते पर भेजना होगा। पता है, जनरल मैनेजर HR 1/C HR/ER RO ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड ONGC NBP ग्रीन हाइट्स 4th फ्लोर अक्वाड्रेंट 1 बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स बांद्रा ईस्ट मुंबई। पिन कोड है 400051। आवेदन पत्र भेजने की अंतिम तारीख है 20 मार्च 2017। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि हमारे जरिए दी गई जॉब वैकेंसीज की ये तमाम जानकारियां आपके रोजगार की तलाश को पूरा करने में सहयोग करेंगी। फिलहाल आज के प्रोग्राम में इतना ही, और अगले हफ्ते फिर मिलेंगे आपसे रोजगार की कुछ नई रिक्तियों की पूरी जानकारियों के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत, और देश व ग्रामीण विकास से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहिए ग्रीन TV। नमस्कार।